जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये आपका सीटेट का जो पेपर है, पेपर वन या पेपर टू, उसमें सीडीपी के अंदर ये टॉपिक हमारा है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे एक नई सीरीज जो हमने स्टार्ट की है अपने चैनल पर राजर्षि क्लासेस पर, वो है आपका मास्टर क्लास फॉर सीडीपी। तो इसकी हम कंप्लीट पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे, और अभी तो आपकी वीडियोज जो भी पढ़ती रहेंगी तो उस प्लेलिस्ट को आप इस वीडियो के जाकर लिंक से देख सकते हैं, और वहां से जाकर के आप इसको जो है अपने मोबाइल में सेव करके अच्छे से रख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले, अगर पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए सबसे पहले आए। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो इससे पहले हमने डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कवर कर लिया है। तो ये आपका पार्ट टू रहने वाला है। सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से आते ही आते हैं, एक या दो क्वेश्चन हमको हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, वैसे तो कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, बट इनमें से कुछ प्रिंसिपल जो हैं जिनसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, हम उनको भी बीच में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सारे प्रिंसिपल्स को जानिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और चेंज। तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज बोले या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है, निरंतरता। मतलब कि किस चीज़ का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत। इसका अर्थ क्या है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है। वोम्ब से लेकर टुम्ब तक चलने वाली जो प्रक्रिया होती है डेवलपमेंट, उसके बीच में हम हमेशा सीखते हैं, लाइफ टाइम सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एज में जाने के बाद सीखना बंद हो जाता है। तो डेवलपमेंट नेवर सीजेस, डेवलपमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है, कॉन्टिन्यूटी उसकी बढ़ती है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रिसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कैसे कैसे प्रिसीड करता है, जनरल टू स्पेसिफिक। आप इसको जनरल टू स्पेसिफिक कह लीजिए, आप इसको ग्रॉस टू फाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ग्रॉस टू फाइन, अदर सेंस में। अब ये ग्रॉस और फाइन क्या है, तो देखिए, ग्रॉस का मतलब होता है कि जब आप कोई काम करते हैं जिनमें आपकी लार्जर मसल्स का यूज़ होता है, तो वो ग्रॉस डेवलपमेंट होता है। और फाइन डेवलपमेंट क्या होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। मोटर डेवलपमेंट जो आपका होता है, फाइन मतलब जिसमें आपकी कुछ मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जो स्मॉलर होती हैं। जैसे जब मैं लिख रही हूँ तो मेरे हाथ की जो छोटी छोटी नसें हैं, जो मसल्स हैं, उनका यूज़ हो रहा है। जबकि अगर मैं किसी बॉल को पकड़ती हूँ तो उसमें मेरे दोनों हाथों का यूज़ हो रहा है, तो लार्जर मसल्स का यूज़ हो रहा है। तो पहले बच्चा क्या करना, राइटिंग करना सीखता है या गेंद को पकड़ना, तो पहले बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रॉस होता है। ठीक ऐसे ही बच्चे का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कैसे कैसे प्रोसीड करता है, जनरल, पहले वो जनरल उसका डेवलपमेंट होता है, स्पेसिफिक तो बाद में होता है। क्लियर, तो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ग्रॉस टू फाइन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि जो आपका डेवलपमेंट है उसका एक अपना यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। ठीक, उसमें जो है चेंजेस आते हैं, बट वो चेंजेस जो है पहले से प्रिडिक्टेबल होते हैं। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब आपका फोर्थ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसके ऊपर लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से इसको समझिए। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा का सिद्धांत। तो जो विकास में दिशा का सिद्धांत है वो हमको क्या बताता है कि डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट किसका, किसी भी बच्चे का, इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। आपकी डेवलपमेंट मुझसे अलग होगी, मेरी डेवलपमेंट किसी तीसरे से अलग होगी। दैट मीन्स जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी हाइट ग्रोथ कर लेते हैं, कुछ थोड़ा लेट में करते हैं। ठीक, तो क्या है, डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की जो दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक वैसे ही जैसे हर बच्चे की सीखने की दर अलग अलग होती है, कोई एक बार में सुन के सीख लेता है, कोई दो बार में, बट लेकिन इसके बाद भी ये एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है। हो सकता है किसी बच्चे ने हाइट बहुत जल्दी ग्रो कर ली, किसी ने कम, लेकिन होंगे दोनों के हाइट ही ग्रोथ होगा।
अगर फिजिकल चेंजेस की बात करें तो अप टू 18 अगर मैच्योरिटी है तो किसी किसी बच्चों में जल्दी हो जाती है फिजिकल चेंजेस, किसी में थोड़ा देर से होता है। तो लेकिन वो जो हमारा डेवलपमेंट है उसका रेट भले अलग है बट होगी फिजिकल डेवलपमेंट उस एज में मैक्सिमम, उस एज में ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट ही देखने को मिलेगा, बस किसी में जल्दी हो जाएगी तो किसी में देर। तो ये क्या बताता है डायरेक्शन, कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो वेरी करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का। मीन्स जो रेट, जो दर है विकास की दर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। किंतु इसके साथ ही ये चीज़ भी ध्यान देना है कि लेकिन वो एक सिमिलर पैटर्न को भी फॉलो करता है। पैटर्न मतलब जैसे उसकी ग्रोथ हुई वैसे ही सेम दूसरे वाले की भी होगी, हो सकता है आज हो जाए, कल हो जाए, कभी और हो जाए, ठीक, अंतर इतना है। अब जो डायरेक्शन है इसके जो दो मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हैं आपके, वो पहला क्या है सिफलोकैडुअल, क्या है आपका सिफलोकैडुअल, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। बेटर होगा कि आप इंग्लिश वर्जन ही पढ़ें क्योंकि हिंदी में उनके अलग अलग नाम हैं तो याद करने में भी आपको, और अगर एग्जामिनर ने दे दिया तो वो लोग इंग्लिश को, सीटेट में ये चीज़ याद रखिएगा, टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में ही कोशिश करिए कि आप करिए, क्योंकि अगर गलती पाई जाती है तो इंग्लिश वाले को ही देखा जाता है, हिंदी वाले को नहीं। तो इस चीज़ को जो भी हमारे हिंदी मीडियम के लर्नर्स हैं इस चीज़ से पहले ही सजग रहें जब आप तैयारी कर रहे हैं तभी। तो पहला क्या है सिफलोकैडुअल, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, पहले नाम से फैमिलियर हो जाइए। क्या है सेफलोकैडुअल या जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। तो आपने पढ़ा भी होगा अगर आप कभी भूगोल ज्योग्राफी पढ़े हैं तो एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन, एक आपकी लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स सबने पढ़े। लॉन्ग का मतलब क्या होता है लंबा, लॉन्ग का मतलब क्या होता है लंबा, ठीक। तो आप इसको याद रखिए सेफलोकैडुअल या फिर लॉन्गिट्यूडनल, इसका है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब इसकी हिंदी आइए हम देख लेते हैं। सिफलोकैडुअल को जैसे यहाँ सिरोध पदोमुखी है, इसका एक नाम है सिरोध पदोमुखी। अगर मैं दूसरा नाम बताऊँ तो इसको मस्तका धोमुखी भी कहते हैं। मस्तका दैट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम मस्तक, मस्तक जिसको हम सिर कहते हैं। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा सही है कि आप इंग्लिश में करिए क्योंकि अगर गलती होती है तो इंग्लिश वाला से अगर गलत उन लोगों ने राइट किया है तो वो लोग आपको नंबर देंगे। तो क्या है सिफलोकैडुअल जिसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, सिरोध पदोमुखी या मस्तका धोमुखी, इस डेवलपमेंट में जो डायरेक्शन होती है वो हेड टू टो होती है। सिर से डेवलपमेंट होती है किसकी तरफ, टो की तरफ, सिर से स्टार्ट होती है और टो की तरफ वो डेवलपमेंट प्रिसीड करती है। हेड टू टो जो डेवलपमेंट जाती है कहाँ जाती है, हेड टू टो ये जो डेवलपमेंट जाती है ये आपकी क्या है, ये आपकी है सेफलोकैडुअल या मस्तका धोमुखी सिरोध पदोमुखी, क्लियर। हेड टू टो याद रखिए, वैसे इसमें इतना कुछ याद करने वाला है नहीं, ईजी सा चीज़ है। सेफलोकैडुअल है तो आपको पता है कि हेड टू टो जिसको लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल है तो लॉन्ग आप ध्यान रखिए कि लॉन्ग है, लॉन्ग दैट मीन्स आपके सिर से लेकर पैर तक, क्लियर। अब दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसको हम समीप रस्त दुरस्त कहते हैं, क्या कहते हैं समीप रस्त दुरस्त, ठीक। जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है वो पेपर में आपसे कई नामों से पूछता है थोड़ा घुमा घुमा के। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये होता क्या है, ये आपका सेंटर टू पेरीफेरी का डेवलपमेंट होता है। क्या है सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी का डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है, अब ये समझिए कि पहले आपके हार्ट का और जो बीच में आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनका जो है डेवलपमेंट होता है, उसके बाद आपके इन हाथों का डेवलपमेंट होता है, इसके बाद हमारी इन जैसे मसल्स का डेवलपमेंट होता है। बट पहले क्या होता है, पहले जो है बच्चे की बॉडी का सेंटर पार्ट डेवलप होता है उसके बाद उसके हाथ डेवलप होते हैं। तो सेंटर टू पेरीफेरी कहते तो आपका क्या हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाएगा आंख बंद करके। अब ये देखिए कुछ ये चीज़ें हैं जो आपको घुमाता है। जनरल टू स्पेसिफिक कह दे कि वो कौन सी जो है आपकी डेवलपमेंट है जो जनरल टू स्पेसिफिक होती है। तो जनरल, जनरल मतलब पहले तो बीच वाला पार्ट क्या आपका सामान्य, स्पेसिफिक क्यों कह रहा है, आपके ये हाथों की जो उंगलियां हैं, ये जो उंगली है हमारी ये स्पेसिफिक है कि नहीं, क्योंकि इससे हम लिखने का काम करें तो स्पेसिफिक आपकी मसल्स हैं कि नहीं है, ठीक। और जबकि जो हमारा बॉडी का बीच वाला पोर्शन है ये क्या है आपका जनरल है। तो यहाँ से इस तरफ हाथों की तरफ क्या होता है आपका पेरिफेरी में जो है सेंटर, ये बीच में है बीच का पार्ट, और यहाँ से क्या होगा आपका डेवलपमेंट होगा। ग्रॉस टू फाइन जो अभी हमने ऊपर देखा कि पहले जो है लार्जर मसल्स का डेवलपमेंट होता है, फाइन का उसके बाद होना शुरू होता है। नियर टू फार, पहले ये नियर है फिर उसके बाद दूर दूर जाएंगे, पहले एक जगह है फिर दूर दूर जाएंगे। तो वर्ड्स को पकड़ के रखिए, आपका आंसर कभी भी
जो है गलत नहीं होगा। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जैसे जीएस है पहले, ठीक, जीएस है और जीएफ है, तो ये किस में है, जीएस और जीएफ आप याद रख सकते हैं। एक जी पहले है, तो पहले जी किस में रहेगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल में, तो एक है जीएफ और एक हो जाएगा जीएस, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ये क्या है, जनरल टू स्पाइन, क्या है, जनरल टू आपका ये हो जाएगा स्पेसिफिक, और ये हो जाएगा ग्रॉस टू फाइन, ग्रॉस टू फाइन, जनरल टू स्पेसिफिक, क्लियर। तो जी से आपको ऐसे याद रहेगा, और नियर टू फार अगर आप समझ भी पा रहे हैं तो भी क्वेश्चन अगर देता है तो आप समझ के आधार पर भी कर सकते हैं, ठीक। तो एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन को, दो हैं आपके पास, एक है सिफ्लोकैडुअल जिसको हम मस्तका धोमुखी या सिरोध पदोमुखी कहते हैं, दूसरा है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसको कि हम क्या कहते हैं, समीपरस्थ दूरस्थ, क्लियर। अब जब आपका मस्तका धोमुखी की हम बात करते हैं सिफ्लोकैडुअल की, तो वो आपका हेड टू टो डेवलपमेंट को प्रिसीड करता है, जब हम प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करते हैं तो आपका सेंटर टू पेरिफेरी जाता है, या फिर जीएफ और जीएस, दैट मींस ग्रॉस टू फाइन, पहले ग्रॉस का होगा फिर फाइन डेवलपमेंट होगा, या जनरल टू स्पेसिफिक होगा, क्लियर, या तो आपका नियर टू फार होगा, तीनों आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। ये सेंटर है, इसके पेरिफेरी में आपका डेवलपमेंट जो है वो जो है फॉलो करता है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग, तो मैच्योरिटी क्या है जिसका संबंध अधिकतर हेरिडिटी से होता है, लर्निंग क्या है जो आपके बिहेवियर में रिलेटिव चेंज होता है एक्सपीरियंस की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से। तो ये क्या है कि जब हमारा जो डेवलपमेंट होता है उसमें मैच्योरिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है और लर्निंग का भी, क्योंकि अगर हम प्रॉपर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मोरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी लर्निंग सही हो, है कि नहीं। और लर्निंग के साथ साथ मैच्योरिटी जो कि आपको एज के साथ आती है, मैच्योरिटी एज के साथ बढ़ती रहती है, तो इन दोनों का जो है क्या होना चाहिए, आपका इन दोनों के साथ डेवलपमेंट अगर होगा तो बच्चे का जो है डेवलपमेंट क्या होगा, बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट इंक्लूसिव है, वो हर एस्पेक्ट में होता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से एकदम समझिए कि डेवलपमेंट जो होता है क्या वो लीनियर होता है या स्पाइरल होता है। तो आप खुद से सोचिए कि क्या डेवलपमेंट हमारा होता है तो क्या एक क्रम में होता है, एक लाइन से, नहीं। डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स टर्म, डेवलपमेंट खुद में ही इतना कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ चेंजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। आप कैसे बता सकते हैं एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, नहीं बता सकते। दैट मीन्स कि लीनियर तो वो हो ही नहीं सकता, तो वो क्या होगा, स्पाइरल होगा, ठीक है, गुच्छेदार, वो बना बना के एक जगह से कंटिन्यू होता है फिर दूसरे वापस उसमें अगर खराब हो गए। से मैंने आपको बताया है कि डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो मॉडिफाई करने के लिए पीछे आएंगे कि नहीं आएंगे, बट रिवर्सिबल नहीं है, इस तथ्य को इसके साथ याद रखें, क्लियर। तो स्पाइरल है, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं होता है, डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो ये भी याद रखिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कई चीजों को आपस में जोड़ना। तो आपको अभी बताया कि डेवलपमेंट हमेशा जनरल से स्पेसिफिक होता है, पहले सामान्य चीजों का विकास होगा उसके बाद स्पेसिफिक चीजों का विकास होगा, ठीक। ठीक उसी तरह पहले होल का विकास होगा फिर पार्ट्स पे जाएंगे ना, मतलब पहले जैसे हमने प्रॉक्सिमोडिस्टल में ही पढ़ा कि पहले क्या होगा, होल का डेवलपमेंट होगा फिर हम पार्ट्स के ऊपर जाएंगे। तो डेवलपमेंट आपका जो ये सब होता है अंत में जाके सब क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फिर हम ना उनको होल करते हैं ना पार्ट करते हैं, मतलब इनका जो प्रॉपर फंक्शनिंग होगा वो इनके इंटीग्रेशन के द्वारा ही देखा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन तो जो डेवलपमेंट होते हैं, चूंकि डेवलपमेंट के कई डायमेंशंस हैं, फिजिकल भी है, सोशल भी है, इमोशनल भी है, कॉग्निटिव भी है, ठीक है, मोरल भी है, लैंग्वेज भी है, इमोशन भी है, बहुत सारे डेवलपमेंट के क्या हैं, डायमेंशंस। तो ये सारे जो डायमेंशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब कि एक का प्रभाव दूसरे से आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा लेकिन इनडायरेक्टली वो होता भी है और कभी कभी तो डायरेक्टली भी देखने को मिल जाता है। तो इंटर रिलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है
कि जो डेवलपमेंट है हमारी वो क्या होती है, वो इंटरडिपेंडेंट भी होती है। जो डेवलपमेंट के जो कई अलग अलग हमने डायमेंशंस देखे हैं, टाइप्स जो देखे हैं, वो डायमेंशंस आपस में क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं और इंटर रिलेटेड भी होते हैं, जुड़े हुए भी होते हैं। अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो क्या उसका मानसिक विकास अच्छे से होगा, या अगर उसका मानसिक विकास अच्छा नहीं है तो उसका क्या इमोशनल विकास अच्छे से हो पाएगा, सांवेगिक विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब एक का प्रभाव, अगर एक का प्रभाव आप देख रहे हैं तो अगर वो सही नहीं है तो दूसरे डेवलपमेंट पर, डायमेंशन पर आपको उसका प्रभाव देखने को स्वतः ही मिल जाता है। इससे भी भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, आपको ये दे देता है डेवलपमेंट इज इक्वल टू एच प्लस ई, तो ये गलत है। डेवलपमेंट कभी भी जो है आपका वो एडिशन नहीं होता है। डेवलपमेंट ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है, जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इज डेवलपमेंट। विकास क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। इसमें ये नहीं कि हेरिडिटी ज़्यादा है, एनवायरनमेंट कम है, दोनों बराबर है, कोई ज़्यादा कम नहीं है, ये याद रखिए। दोनों का अपना महत्व है, दोनों में कोई ज़्यादा कम नहीं है। तो डेवलपमेंट क्या है, जॉइंट जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है और जो अनुवांशिकी है उसका क्या है, प्रोडक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, ऐसा पाया गया है रिसर्च स्टडीज़ में कि जो अर्ली डेवलपमेंट में बच्चे के जीवन के प्रारंभिक काल में जिस प्रकार की उसको विकास की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार का उसका डेवलपमेंट हुआ है, वो उसके लाइफ टाइम उसके ऊपर उसका असर रहता ही रहता है, असर उसका देखने को मिला है। मतलब शुरुआत में अगर उसकी डेवलपमेंट पुअर है तो उसका रिजल्ट उसके लाइफ के हर पॉइंट पर, हर डायमेंशन पर आपको देखने को मिलेगा। बट अगर उसका एज कम्पेयर टू द लेटर, बाद में हुए डेवलपमेंट के, क्लियर, मतलब कि अगर शुरुआत बच्चे की हमने अच्छे से की है तो आगे बहुत चांस है कि बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। ठीक, बाद में भले आप थोड़ा ख़राब कर दें बट उसके बाद वो चीज़ रिकवर हो जाती है। बट अगर शुरुआत में ही आपने जो है बच्चे के साथ कुछ ऐसी घटना हो गई या उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इसका असर उसके लाइफ पर देखने को मिला है। जो बताता है कि डेवलपमेंट क्या है, प्रेडिक्टेबल है। डेवलपमेंट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इसके बाद बच्चे का मोटर डेवलपमेंट होगा, इसके बाद ये डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट जो है क्या होती है, प्रेडिक्टेबल होती है। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, अब भाई जितने भी डायमेंशन हैं सभी आपस में इंटर रिलेटेड और इंटर जो है कनेक्टेड हैं, तो ये सब कब कहलाएंगे, जब इन सबको मिलाएंगे तभी तो एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो यही ये चीज़ बताता है कि प्रिंसिपल जो है वो टोटल डेवलपमेंट, विकास तभी होता है जब हम सबको साथ लेकर चलते हैं। ये नहीं कि कोई एक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो वही सब करे। ठीक, तो ये टोटल डेवलपमेंट की थियोरी को मानता है। सो लर्नर्स, वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, आपको समझ में आया तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में जो है पिन कर दें, ताकि कमेंट में आप लिख सकते हैं, ताकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को लूँ। इसके साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताएँ। तो ये आपकी रहने वाली है मास्टर क्लास।